हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भूतों का खजाना। भूतों का खजाना। किसी गांव में दो मित्र रहते थे। दोनों में अटूट दोस्ती थी। एक का नाम छोटे और दूसरे का नाम मोटे था। दोनों का इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा कोई ना था, अतः दोनों में भाइयों का सा स्नेह था। दोनों मिलजुल कर ही अपने कार्य संपन्न कर लेते थे। लेकिन उनमें एक सबसे बड़ी कमी थी, और वह थी झूठ ना बर्दाश्त करने की और सच को ना छिपाने की। उनकी इस कमी के कारण गांव के बहुत से लोग उनसे बेहद परेशान व क्रोधित थे। दोनों अकल के भी कच्चे थे थोड़े से। कौन सी बात कहाँ छिपानी चाहिए, कहाँ कहनी चाहिए, इस बात पर उन्होंने कभी गौर नहीं किया था। इसी प्रकार उनके दिन सुख चैन से बीत रहे थे। और एक दिन जब मोटे आटा दाल खरीदने लाला की दुकान पर पहुंचा, अरे ये मैं क्या देख रहा हूं, लाला का नौकर मिलावटी आटे में लकड़ी का बुरादा मिला रहा है। वह दृश्य देखने के पश्चात वह लाला की दुकान पर पहुंचा, जो कि गोदाम के ठीक पीछे थी। लाला जी, राम राम। राम राम मोटे भैया, आओ भाई, है वही है। जल्दी से क्या सामान चाहिए उसकी सूची मुझे दे दो, मैं अभी सारा सामान निकलवा देता हूँ। यह मुसीबत जितनी जल्दी दूर हो जाए उतना ही अच्छा। अब है मिलावटी, कहाँ मर गया रे। आया हुजूर। अधिक कुछ नहीं लाला जी, बस एक पाव दाल और दो सेर आटा चाहिए। है वही है, सुना तूने मिलावटी, चल जल्दी से मोटे भैया को आटा दाल तोल दे। जी लाला जी। और जब मिलावटी ने उसी आटे की बोरी में से आटा तोलना चाहा, जिसमें मोटे पहले से ही उसे मिलावट करते देख चुका था, ठहरिए लाला जी, मुझे उस बोरी का आटा नहीं चाहिए। है वही है, क्यों नहीं चाहिए जी, उस बोरी के आटे में जहर मिला है क्या। जहर तो नहीं, लेकिन लकड़ी का बुरादा जरूर मिला है। मैंने अपनी आंखों से तुम्हारे नौकर मिलावटी को आटे में बुरादा मिलाते। अरे चुप हो जा, चुप हो जा, कब बका तक क्यों मेरी दुकान की रोटियां डुबोने पर तुला है। अब है वो मिलावटी, इसे असली आटा दे दे, वरना ये यहाँ खड़ा खड़ा मेरा दिवाला निकाल देगा। जी, ये रहा आपका सामान मोटे भैया, बहुत अच्छा। और ये रही आटे दाल की कीमत। तभी लाला जी, 10 सेर आटा देना, अभी लो। ठहरो भाई, इस बोरी का आटा मत लो, इसमें लाला जी के नौकर को मैंने लकड़ी का बुरादा मिलाते देखा है। क्या? तभी कल सुबह से ही मेरे पेट में बवंडर सा उठा हुआ है। अगले ही पल, क्यों रे लाला, कितनी मिलावट की है रे तूने आटे में। है भाई है, कुछ नहीं, तुम्हारे सिर की कसम। ऐसा क्या? तो फिर ले ये घूसा, खा झूठ बोलने का कड़वा फल। आए मर गया। और ये मेरे सिर की झूठी कसम खाने की शुद्ध देसी घी की पटकनी। आए मर गया। है भाई है, बुरा हो उस कमबख्त मोटे का। आए मेरा जबड़ा सूझकर आलू बुखारा हो रहा है। इस समय मुझे लाला जी की शक्ल ऐसी दिखाई पड़ रही है मानो चिड़ियाघर से कोई जानवर भागा हो। उधर गांव में जिस समय छोटे बेचैनी से मोटे की प्रतीक्षा कर रहा था, तभी अरे भगवान, जल्दी कर, सारा सामान बांध ले, हमें आज संध्या करते ही किराए का मकान खाली करना है। उस कमकत महाजन चुन्नी लाल का बहुत कर्जा चढ़ गया है हम पर, वह कल सुबह ही आधमकने की धमकी दे गया है। कल मकान मालिक भी अपना किराया वसूल करने आधमकेगा, और लाला तो हमें जिंदा ही नहीं छोड़ेगा अगर उसके 3 महीने के भाषण, मेरा मतलब राशन का पैसा ना दिया तो। इन सबका एक ही हल है, गांव से 9 तो 11 होना। वैसे उन सबसे मैंने कल तक का सारा हिसाब किताब साफ कर देने का झूठा वायदा कर दिया है। झूठा वायदा? झूठ के नाम पर छोटे के कान खड़े हो गए। तो तेज तर्रार सिंह झूठ बोलकर गांव के बहुत से लोगों को मूर्ख बनाने के चक्कर में है। लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा, झूठे का मुंह काला होकर रहेगा। महाजन मकान मालिक और लाला को खबर देने से पहले मैं अपने इस पाजी व मक्कार पड़ोसी के घर के दरवाजे पर साकल तो चढ़ा ही दूं, ताकि ये भाग ना सके। साकल चढ़ाने के पश्चात वह शीघ्र ही महाजन चुन्नी लाल के घर पहुंचा और जल्दी कीजिए चुन्नी लाल जी, मेरा पड़ोसी और आपका कर्जदार तेज तर्रार सिंह इस गांव से दुड़की होने की फिराक में है, ताकि वह आपका कर्जा चुकाने से बचा रहे। क्या उस बदमाश की इतनी हिम्मत, मैं उस लफंगे को जीवित नहीं छोड़ूंगा, भरता बना डालूंगा उसका ब्याज काट के। अरे धीरू भीरू भीखा, जल्दी आओ प्याज काट के। क्या बात है सेठ जी, इसी वक्त चलो मेरे साथ, उसका मगध तेज तर्रार की तेजी निकालनी है। मेरा रुपया मारकर गांव से फरार हो रहा है, देखता हूँ कैसे होता है ब्याज काट के। ये बात है तो चलिए, जरा हम भी तो देखें कि कितनी तेजी है उसमें, आओ। ये तो उसकी जान ही ले लेगा, फौरन चलकर तेज तर्रार सिंह को खबर करनी चाहिए, आखिर पड़ोसी होने के नाते मेरा यह कर्तव्य बनता है। लेकिन उसके पहुंचने से पहले धीरू भीरू भीखा के साथ महाजन तेज तर्रार सिंह के घर पहुंच गया। दरवाजा खोलो, खट खट खट। आए, इस समय अब कौन आ मरा, कहीं महाजन मकान मालिक या लाला में से ही तो कोई नहीं होगा।
तेज तर्रार सिंह ने दरवाजा खोला और फिर सामने महाजन को देखते हुए उछलकर कई कदम पीछे हट गया। महाजन? हाँ मैं यूं। पूरी तैयारी है, छोटे ठीक ही कहता था ब्याज काट के। छोटे? अच्छा हुआ जो सही वक्त पर तुम्हारी पोल खुल गई। अब देखता हूँ कि तुम मेरा पैसा हजम करके कैसे गांव छोड़कर भागते हो ब्याज काट के। धीरू भीरू भीका, उठा लो ये सारा सामान और मेरे घर पहुंचा दो। साथ ही इसे एक छोटा सा सबक भी सिखा दो कि महाजन चुन्नीलाल से हेरा फेरी करने का क्या परिणाम निकल सकता है ब्याज काट के। जो हुकुम सेठ जी। तीनों बदमाश यमदूत की तरह तेज तर्रार सिंह की ओर बढ़े। उन तीनों को भयानक रूप में अपनी ओर बढ़ते देखकर तेजा भय से चीख उठा, बचाओ! अब तो तुम्हें हमारे हाथों कोई बचाने आने से रहा है। पिटने के लिए तैयार हो जा, निकाल दो पाजी की सारी तेजी। अगले ही पल वे उस पर कहर बनकर टूट पड़े। साक थाक, आ बचाओ! फिर सारा सामान उठाने के पश्चात वे लोग वहां से चले गए और पीछे रह गया जगह जगह से उधड़ा हुआ तेज तर्रार से। मर गया, हे भगवान, कंबखतों में मार मार कर पिलपिला खरबूजा बना दिया है। आग लगे नासपीटों को, कीड़े पड़े। ये सारी कौरिस्तानी उस पौजी सत्यवादी के औलाद की छोटी की है। उसी नहीं जाकर महाजन को पट्टी पढ़ाई होगी। मैं उस कंबख्त की हड्डी पसली एक कर दूंगा, नहीं छोड़ूंगा उसे। तेज तर्रार सिंह उसी वक्त अपनी पुश्तैनी लट उठाकर छोटे की खोज में निकल पड़ा। बस एक बार कहीं दिखाई पड़ जाए। बहरा, अब देखूंगा कि बचकर कहां जाएगा, जरा पास आने दो। ओ बहरा तेजा, उसे जल्दी से बता दो कि महाजन उसे क्रोध से भरा ढूंढ रहा है ताकि वह अपनी सुरक्षा का उपाय कर ले। जैसे ही छोटे निकट पहुंचा, आओ आओ छोटे, मैं कब से यहाँ खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात हो सकती है? बात तो मुझे भी करनी है, लेकिन पहले तुम ही कहो। ये रही वह जरूरी बात। ओ मरा ठाक! तेजा का रौद्र रूप देखकर छोटे सिर पर पाँव रखकर वहां से भागा। उफ, लगता है महाजन इसकी ठुकाई करके जा चुका है और अब ये उस ठुकाई पिटाई का बदला मुझसे लेना चाहता है। जान बचानी है तो भागो यहां से, आज तो पाताल तक भी तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। भागते भागते छोटे कलुआ धोबी के मकान में घुस गया। कलुआ धोबी के मकान की छत के साथ साथ कई छतें जुड़ी हुई हैं। एक के बाद एक कूदता हुआ मैं अपने घर की छत तक जा पहुंचूंगा, फिर यह कमगर मुझे नहीं ढूंढ पाएगा और सुबह तक तो यह रफू चक्कर हो ही जाने वाला है गांव से। उधर जैसे ही छोटे सीढ़ियां चढ़कर कलुआ धोबी की छत पर पहुंचा, हे भगवान, ये तीजा तो सामने खड़ा है। लगता है वो मेरी योजना को भाग गया है। अब तो सीढ़ियों तक जाने का भी समय नहीं है। तेजा से तेजी नहीं चलेगी बच्चू, अब कहां भागेगा? दूसरे ही क्षण छोटे ने छत से नीचे छलांग लगा दी। अरे किंतु इसका क्या करें कि उस दिन छोटे के सितारे ही गर्दिश में थे। छपाक! ओह, ये मैं कहां दलदल में फंसा आ फंसा, ये तो मांड मालूम पड़ती है। और तभी उसकी नजर अपनी तरफ भाग कर आते तेज तर्रार सिंह पर पड़ी। उसे देखते ही वह मांड भरे बर्तन से उछला और सरपट एक तरफ भाग निकला। ओह, फिर भाग निकला? हे भगवान, इस भूत से मेरा पीछा छुड़ाओ वरना मैं भागते भागते ही दम तोड़ दूंगा। हड़बड़ी में वो फिर एक मकान में घुस गया और अंदर जाते ही उसने द्वार बंद कर लिए। भगवान करे उस यमदूत की निगाहें मुझ पर ना पड़ी हूं, नहीं तो वो मार मार कर जरूर मेरा कचूमर निकाल देगा। तब तक संध्या भी हो चुकी थी। यहां अंदर तो बहुत अंधेरा है, हाथ को हाथ सुझाई नहीं पड़ रहा, कहीं किसी वस्तु से टकरा कर गिर ना जाऊं। और वही हुआ जिसका डर था। उफ, अरे ये तो रुई का ढेर मालूम पड़ता है। उफ, मेरे सारे शरीर पर रुई चिपक गई है। तभी दरवाजा जोरों से खटखटाया जाने लगा। दरवाजा खोलो, कौन है भीतर, वरना दरवाजा तोड़ दूंगा। मर गए। ठीक उसी पल छोटे का दिमाग काम कर गया। वाह, ये युक्ति सही रहेगी, चाहे कुछ देर के लिए ही सही, मैं उस यमदूत से पीछा छुड़वा लूंगा। दरवाजा खुल रहा है, होशियार। मैं बिल्कुल तैयार हूं, जैसे ही दरवाजा खुलेगा मैं लाठी से उस पर प्रहार करूंगा। फिर एक झटके के साथ दरवाजा खुला और फिर जिसने भी उस रुई के दानों को देखा वही चीखता चिल्लाता हुआ नाक की सीध में भाग निकला। भूत बचाओ! इसी आपाधापी में छा गए अंधकार का सहारा पाकर छोटे जब घर पहुंचा तो मोटे भी तब तक घर पहुंच चुका था। खटखट, छोटे ही होगा, लेकिन दरवाजा खोलते ही मोटे के कंठे से चीख निकल गई। भूत! उफ, अगर ये ऐसी चीखता चिल्लाता रहा तो मेरी पोल खुलते देर ना लगेगी और वह कमगत तेजा भी इधर आ निकलेगा। छोटे स्फूर्ति के साथ भीतर दाखिल हुआ। फिर द्वार बंद करने के बाद जब वह पलटा, अरे मोटे कहां गया? मोटे मेरे यार, ये मैं हूं तुम्हारा यार छोटे, कहां छुपे हो? ओह, तो तुम यहां छुपे हो? घबराओ नहीं, मैं कोई भूत भूत नहीं हूं, मेरा यकीन करो, ये तो बस मेरे शरीर पर रुई चिपक गई है। छोटे? तब कहीं जाकर छोटे सॉरी मोटे चारपाई के नीचे से बाहर निकला और बोला, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है छोटे, आखिर ये चक्कर क्या है? छोटे ने सारा किस्सा सुना दिया और स्नान की तैयारी करने लगा। तब, ओ तो ये है सारा चक्कर,
एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, सच कहते हो यार, वह कहावत झूठी होती जा रही है कि सच्चे का बोलबाला। अब तुम ही बताओ भला, सच सच सब कुछ महाजन को बताकर मैंने क्या बुरा काम कर दिया जो मुझे इतनी मुसीबतें झेलनी पड़ी हैं? ना जाने लोग कब सत्य की महिमा को समझेंगे और अपने साथ साथ देश की को भी सुखी करेंगे। खैर छोड़ो, अब इन सब बातों को, खाना तैयार है, खा लो, आराम की तान कर सो जाओ, सुबह की सुबह देखेंगे। आओ चलो, वैसे भी भाग दौड़ से मेरी भूख दोगुनी हो गई है। फिर खाना खाकर दोनों सो गए। अगले दिन तक छोटे मोटे का पड़ोसी तेज तर्रार सिंह गांव छोड़कर भागने में सफल हो गया था। उसका मकान खाली पड़ा था, यह देखकर छोटे ने चैन की सांस ली। उसी रात गांव के बाहर एक पीपल के वृक्ष के नीचे, अब तो हद हो गई है भाइयों, है भाई हैं, मोटे छोटे के कारण मेरा बड़ा नुकसान हो रहा है। कल तो तुम्हारे इस लाला का दिवाला निकलते निकलते रह गया था। कमबख्त पूरे सत्यवादी की संतान है, उनके कारण मैं अपनी ही जायदाद से वंचित कर दिया गया हूं। उसमें तुम्हारी गलती थी लच्छू, तुमने ही अपने बापू के मरने की खुशी उन पर जाहिर करके दावत देने का न्योता दे दी, न्योता दिया था। हाँ दिया था, मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, मुझे क्या मालूम था कि मेरी सारी पोल खोल देंगे कि मैं अपने बापू की मृत्यु पर दुखी होने के बजाय जायदाद मिलने से प्रसन्न हूं। और बस माँ ने यह सब सुनकर मुझे जायदाद से बेदखल कर दिया। अब मैं इस सारी जायदाद को गरीबों में बांट दूंगी। मैंने तभी तय कर लिया था कि छोटे मोटे को सब सिखाकर ही रहूंगा, और अब वह समय आ गया है। अगर ये दोनों गांव में रहते हैं तो कोई ना कोई फसाद खड़ा करते ही रहेंगे हमारे लिए, इसलिए कोई ऐसी तरकीब निकालनी होगी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तेजा ठीक कह रहा है, ऐसी तरकीब सोचने के बाद ही मैंने तुम्हें यहाँ इकट्ठा किया है। तरकीब क्या है? गांव की सीमा से लगे पुराने खंडर। पुराने खंडर हैं वही हैं, लेकिन उसमें तो सुना है कि भूतों का ढेरा है, जो भी वहां जाता है लौट कर नहीं आता। हमें किसी तरह उन दोनों नामुरादों को वहां भेजना है। तुमने बिल्कुल ठीक सुना है लाला, हम भी तो यही चाहते हैं कि वे फिर कभी गांव ना लौटें। लेकिन छोड़ो लाला, तरकीब अच्छी है, अगर वे बच भी गए तो शायद फिर कभी गांव का रुख नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भूतों का खजाना के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।